नमस्कार, मैं हूं महेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। आज की खबर उत्तराखंड से। आज मैं आपको उस बिटिया की कहानी सुना रहा हूं जो उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली है, जिसका नाम है ज्योति कश्यप। ज्योति को बचपन से विश्वकन्या कहा गया। उसे शुरू शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो उसे हंसी में उड़ा देती थी। जब भी उसका अपने दोस्तों से झगड़ा होता था तो दोस्त उसकी लड़ाई को छोड़कर वो उसके परिवार के बारे में बात करते थे। परिवार वाले सपेरे हैं, परिवार वाले सांप पालते हैं, लेकिन ज्योति को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्योति ने तो जैसे सांपों से दोस्ती कर ली हो। ज्योति उनके साथ खेलती, खाती, पीती, बड़ी हो रही थी। उसे सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। यही वजह थी कि उसको विषकन्या कहा जाने लगा। ज्योति के पिता चंद्रसेन कश्यप बताते हैं कि कुछ बरस पहले जब उनके पास सांप पकड़ने के बाद उन्हें घर में रखने की कोई जगह नहीं होती थी, तो वो सांपों को डिब्बों में बंद करके रख देते थे। ऐसे में एक दिन एक लंबा अजगर घर में रखा हुआ था और ज्योति उसकी दोस्त बन गई और उसको गले में लेकर घूमने लगी। जब लोगों ने देखा तो वो हैरान रह गए। देखा देखी किसी ने तस्वीर ले ली और अखबार में छप गई। इस घटना के बाद ज्योति के घर लैंडलाइन पर फोन घनघनाने लगे। लोग अब ज्योति से बात करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये विषकन्या है कौन। चंद्रसेन कश्यप आगे बताते हैं कि ये सब इतना परेशान करने वाला था कि वो बता नहीं सकते। उन्होंने लोगों के हाथ जोड़े, मिन्नतें की, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी कोई विषकन्या या नागकन्या नहीं है। जब अखबारों और पत्रिकाओं में विषकन्या से जुड़ी खबरें छपी तो लोगों ने 8 साल की बच्ची ज्योति को विषकन्या कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप भी देखते होंगे कि कैसे घटनाएं आजकल ट्रोल की जाती हैं, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे यूट्यूब के जरिए। झूठी घटनाओं को पुलिंदा बनाकर उनको सत्य करने की कोशिश की जाती है। इससे घर वालों को, परिवार वालों को और उस व्यक्ति को कितना नुकसान होता है, ये आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की होगी। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। लोग विषकन्या को देखने के लिए रामनगर आने लगे। उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो अपने बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे कि आखिर उसकी बेटी को अगर विषकन्या बना दिया तो उसे कौन शादी करेगा, उसका घर परिवार कैसे बसेगा और वो साधारण अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएगी। इस खबर ने तो जैसे ज्योति की ज़िंदगी बदल दी। वो बचपन से ही जानवरों से प्यार करने लगी। उसके पिता चंद्रसेन उसको सांपों से दूर रहने की हिदायत देने लगे। ज्योति बताती है कि उसके पापा ने कभी किसी घर में उसको सांप नहीं पकड़ने दिया और इस घटना के बाद उसको सांपों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब ज्योति एक स्कूल में पढ़ाती हैं और बच्चों को ट्यूशन देती हैं और टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो आज भी अपने आप को एनिमल लवर मानती हैं। वो कहती हैं कि आज भले ही लोग उनको विषकन्या कहते हों, लेकिन वो उनकी बातों को हवा में उड़ा देती हैं। ज्योति की ज़िंदगी से आप सीख सकते हैं कि कैसे समाज ने एक बच्ची को विषकन्या बना दिया, लेकिन वो उन चीज़ों को कुछ नहीं मानती और वो अपने हौसले पर अड़िग है। वो एक टीचर है और एक सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहती है। खबर स्टेशन में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।